हेलो बच्चों, सिर्फ 60 क्लासेस में स्वागत आपका। मैं मुकेश पांडे। सबसे पहले आज आपको मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने चल रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी का इसके रिटन टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है। आप लोग तैयारी में लगे भी हैं। उन बच्चों के लिए विशेष सूचना है जो बच्चे ये सोच रहे हैं कट ऑफ क्या जाएगी। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि अगर आप रिटेन पास कर लिए हैं और जैसा कि आपको मालूम है कि अब की बार समय बिल्कुल नहीं मिला है। जैसे आज 4-5 से पहले ऐसे ही एग्ज़ाम होता था 2012 के पहले, 2013 के बाद यानी 14 से लगभग इसका शेड्यूल बिगड़ा हुआ। 2013 में भी सही हुआ था, 14 में भी सही हुआ था, कायदे से 15 से शेड्यूल बिगड़ा हुआ था। इसमें आपको 6-6 महीने, 8-8, 9-9, 1-1 साल मिल गए थे। इसमें क्या होता था, बच्चे रिटर्न का रिजल्ट आने के बाद नए बच्चे बिल्कुल बिगनर तैयारी कर लेते थे, उनको समय खूब मिल जाता था, वो कर लेते थे। अब कि आपको पता है कि 3 महीना भी नहीं मिला है, टोटल 3 महीना भी नहीं मिला। उसके बाद सबसे पहले तो बच्चे इसमें टेंशन थे कि अभी रिटर्न की कट ऑफ क्या जाएगी, रिटर्न पास कर ले। तो हमने इसीलिए आपको बार बार यही आगाह किया है कि रिटर्न की मेरिट हमने पहले ही बताया था। आप हमारा पुराना वीडियो अगर देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देखिएगा, जिससे आपको आगे आने वाले डेट में जो भी हम वीडियो दें उस पर आपका विश्वास बढ़े। तो उसमें हमने लिखा था, साफ लिखा था कि 110 हमारे थंबनेल में लिखा था, 110 नंबर वालों को भी मौका मिलेगा और मिला। 110 नंबर हमने ये भी कहा था, 110 नंबर हमारे जो है वो जनरल, यानी हम सबको लेकर चलते हैं, हम जनरल को ही सामान्य लेकर चलते हैं, कि उन्हीं को लेकर कहा था कि इसके ओपन है। वही हुआ, 110 नहीं बल्कि जनरल की 108 गई है। और भी सबकी मेरिट आपको पता, सब देख लिए हैं। अब उन बच्चों के लिए हमारी विशेष अपील है और ये निवेदन भी बच्चों आप लोगों से, आप अपनी गलती मत करिए। और काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, आज भी मैसेज, फ़ोन, तमाम जगह से जुड़े, सोशल मीडिया से जुड़े हैं या ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं, तमाम बहुत बच्चे ऐसे हैं जो ये चक्कर में फंसे हैं कि अभी हम तैयारी करें, क्या मालूम कट ऑफ बढ़ जाए। तो सबसे पहले साफ शब्दों में कहेंगे, वो वीडियो पूरा देखिएगा, आपको एक एक चीज़ समझाएंगे, 100% आपको समझ में आएगी बात। सबसे पहले तो हम बता दें आपको, कट ऑफ जो फाइनल वो सब होती तो दिमाग से हटा दीजिए, जो 2014 के पहले होता था वही अब होगा। कट ऑफ एक नंबर भी नहीं बढ़ेगी। आप अपने दिमाग से फालतू चीज़ें हटा दीजिए कि कट ऑफ आगे बढ़ जाएगी, और नहीं बढ़ेगी। कैसे नहीं बढ़ेगी, हमने आपको हर वीडियो में लिख लिख के बताया है, आज लिख के नहीं बताएंगे, आप बस आज ओरल सुनिएगा कि आपको साफ शब्दों में बता दें, कट ऑफ नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। इस वीडियो को भी आप नोट कर लीजिए हमारी जुबान को, कट ऑफ आपकी कतई नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी, पहली बात समय कम मिला है, दूसरी बात काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो साथ में सीजीएल भी लगा है, ये हमने पहले वीडियो में मेंशन किया, साथ में सीजीएल भी लगा है, सीएचएसएल भी लगा है। तो जो डबल सीजीएल सीएचएल दे रहे हैं, ना तो उनका उसमें होना ना इसमें होना है, ना स्टेनो ही का कम नहीं है, दूसरी चीज़ समय कम मिला है, तीसरी बात मेन जो सीटें पहले आती थी 1,800-1,700, अब की बार 4,000 से ऊपर भी सीटें हैं। आप अभी 3,200-3,300 का पूरा आ चुका है, आपको देखा ही होगा, करीब 4,000 सीटें अब की बार। और सबसे मेन चीज़ है, सबसे मेन जो है अब की बार मैटर जो है वो टफ आएगा, उठ के आएगा। अब की बार मैटर जो आपने पहले सुना होगा कि रामधारी खंड एक खंड दो की आ जाती थी, मैटर वही आ जाता है, इक्वल पूरा पूरा मतलब डी ग्रेड में, तो पूरा पूरा एक्सरसाइज ही खंड एक की रामधारी की आ जाती थी हिंदी में, इंग्लिश में केसी की, कैलाश चंद्र की आती रही है। तो इंग्लिश का मैटर तो आसान नहीं आता था, इंग्लिश का तो एवरेज रहता था, हिंदी का मैटर बहुत ही आसान था, इसलिए हिंदी में काफ़ी बच्चे निकाल लेते थे। तो अब की बार बेटा मैटर भी टफ आएगा, इसलिए वो बच्चे विशेष ध्यान दें जिनकी स्टेनो ठीक है, वो इस चक्कर में हमारे कट ऑफ के ही ऊपर हैं, हम अगर फाइनल में हों या ना हों। पहली चीज़ तो ये बता दी, आप दिमाग से हटा दें कि हमारा फाइनल में होगा कि नहीं होगा, वो 100% होगा। आप ये गलती करेंगे तो बहुत दिनों तक आपको पछताना पड़ेगा, ये भी हमारी बात नोट कर लीजिए। ये मौका बार बार नहीं आता, इतनी कट ऑफ कम आने का रीजन भी आप लोग दिमाग से थोड़ा सा एक पॉइंट भी सोचिएगा, इतनी नीचे मेरिट क्यों गई। आप ये भी सोचिएगा 57,000 कितने बच्चे पास हुए हैं,
और हमेशा 10 गुना से ज़्यादा बच्चे पास होते रहे हैं, इसका मतलब सीटें भी ज़्यादा हैं। और दूसरी चीज़, मैटर उठ के आएगा, की बात टफ आएगा, तो ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे स्टेनो पढ़ रहे हैं। ये मैं अपना सर्वे करके बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास तमाम बच्चे जुड़े जो ऑफलाइन क्लास पढ़ते हैं, ऑनलाइन पे तो अभी हमने ध्यान दिया है, वो भी तक जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ते रहे उनके दिमाग में यही काफ़ी है कि अभी हमारा इधर मेहनत करें और उधर ना हो पाए, उनको थोड़ी सी मेहनत करनी है। और एक पॉइंट अगर ये मान लें, अगर 0 पॉइंट ये मान लें कि मान लीजिए नहीं होता है, आपका निगेटिव सोचना है नहीं, हमने कभी निगेटिव सोचा नहीं, ना ही कहते बच्चों को कभी निगेटिव सोचना, कैसे नहीं होगा, लेकिन एक पॉइंट अगर आपके दिमाग में आ रहा है, मान लीजिए नहीं होता है, नहीं होता है तो आपकी तैयारी कहीं नहीं जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर ये मान लीजिए कट ऑफ नहीं पढ़ी, तो फिर क्या करेंगे आप? अगर आप स्कूल की तैयारी 3-4 सालों से किए हैं, इतनी बढ़िया तैयारी हो गई, फिर उसमें फेल हो जाए, इतने सालों से इंतजार करते रहे कि हमारा रिटर्न निकल जाए, स्किल तो निकाल लेंगे, अब वही आकर के रिटर्न पास कर लिए हैं, स्किल में फेल हो जाएंगे, तो आप अपने आप को क्या जवाब देंगे? किसी की बात छोड़िए, आप अपने अंतरात्मा को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए 1 महीना बचा है, अच्छे से मेहनत करिए, आपका काम है सिर्फ मेहनत करना। अगर आपको रिजल्ट ही अपना मालूम हो गया, पता चल गया, तो आप तो फिर संत हो गए, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। जब आपको ही सब पता होगा कि हमारा नहीं होगा, अगली बार होगा, या हम कर ही नहीं पाएंगे, तो फिर कोई बात बात बनती ही नहीं है, तो आपको किसी की सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए आप पहली चीज़ दिमाग सटा दीजिए कि मेरिट बढ़ेगी, मेरिट नहीं बढ़ेगी, मेरिट जो यही रहेगी, अब की बार स्किल टेस्ट में लोग नहीं पास हो पाएंगे। इसलिए वो बच्चे विशेष ध्यान दें जिनकी रिटर्न की तैयारी कम थी, किसी कारण से रिटर्न तो पास कर लिए हैं, स्किल में अगर वो रह जाएंगे तो उनको बहुत कष्ट होगा। और जो रिटर्न मान लीजिए अच्छे नंबर्स पास किए हैं, मान लीजिए उनके लिए स्किल कठिन आ गया, नहीं कर पाए, तो उनको तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि वो रिटर्न अगली बार फिर निकाल लेंगे और स्किल उसमें टाइम मिल जाए। लेकिन जो 4-5 सालों से इस रिटर्न में जिनका कमजोर रहा, निकाले किसी कारण से, मेरिट कम गई, 1-2 नंबर ऊपर हैं, पास हो गए हैं, वो अगर गड़बड़ हुए, तो ये समय बार बार कोई जरूरी नहीं कि 2023 में भी यही मेरिट चली जाए, क्या मालूम उसमें अवेयर हो जाए लोग, आगे मेरिट मिल जाए, आगे मेरिट बढ़ जाए। इसलिए आप जो समय आया है उसका स्वागत करिए, उस पर दिमाग लगा के तन मन धन से लगिए, और 100% आपको हो जाएगा, आपको नौकरी इस बार मिलनी है, हमारी यही शुभकामनाएं हैं। और प्लीज़ 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 हमारी बात आप जरूर मान लीजिए, इसको अच्छे से मेहनत करिए। उन बच्चों के लिए खास कहना चाह रहे हैं जो हमसे इतने दिनों से जुड़े हुए हैं, अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो इस हमारी बात को जरूर माने। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।